अस्सलामुअलैकुम क्लास फाइव, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। हमने पीछे फोर ऑपरेशंस पढ़े हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हमने ये करना है कि हमें चारों ऑपरेशन इकट्ठे परफॉर्म करने हैं। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, उसको हम बोलते हैं डीमैस रूल। अब डीमैस स्टैंड फॉर किसके लिए, ये इसको बोलते हैं क्या, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये अब आप देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो आपने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन एडिशन, और सबसे लास्ट में आपने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। हमेशा इसका यही मेथड रहेगा, अब मेथड चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। मेरे पास देखें, ये क्वेश्चन नंबर डी है, पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर डी है, 10 - 3 / 3। अब आपने पहले माइनस नहीं कर लेना, बल्कि हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने डिवीजन करनी है, तो आपने 3 को 3 पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1s आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन नहीं है, तो हमने क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो 10 में से 1 गए, हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, ये देखिए मेरे पास है 12 / 4 / 5। अब हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डिवीजन करनी है, ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 12 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। अब हमने क्या करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देना है, 3 × 5 = 15। आपने यहाँ पे इक्वल्स टू के साइन डालने हैं और इस तरह करके ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर ई, 11 + 2 / 8। पहले एडिशन नहीं करनी, बल्कि हमने पहला स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 11 में आपने क्या करना है, 8 × 2 = क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। अब आप ऐड कर लें, 6 में 1 ऐड किया 7 और 1 में 1 ऐड किया 2, ये 27 आपका आंसर है। आपने पेज नंबर 32 पे जितने क्वेश्चंस दिए हैं आपने खुद करने हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।